Well, no, I'm not standing in front of a lake, but in fact, this is a road here in the national capital. And in fact, this in particular is the Janakpuri area where this road has caved in. And in fact, this has happened early, in the early hours of Wednesday morning. And in fact, these are the visuals you can see. And in fact, after yesterday's heavy rain, apparently this has happened. And in fact, thankfully, no casualties have been reported in this case. And in fact, when this entire road caved in, there was nobody on this road because this incident happened somewhere around 6 a.m. early in the morning. And in fact, what we are also given to understand is that we spoke to the local authorities over here. And in fact, the MLA from this area is also present over here. PWD is continuously working to actually cull out the water which has been inundated here at this very spot. But looking at the visuals, you can see the amount of damage it could have been made if it was to happen at the later hours of the afternoon at somewhere around in the evening, because Janakpuri is a busy area. And in fact, this particular area is a very busy one. In fact, Tihar jail is also nearby from this area. There is in fact Janakpuri institutional area as well. And in fact, we have the local MLA Rajesh Rishi ji joining us now. Rajesh ji, दिल्ली का इलाका, नेशनल कैपिटल को बात की जाती है लंदन बनाने की, और ये सब देखा जा रहा है, क्या बोलेंगे इस पे? सर, आप मेरी पूरी जनकपुरी घूम लीजिए, इतनी बारिश कल 2 घंटे हुई है जिसमें एयरपोर्ट डूब गया। मैंने एक जगह भी पानी नहीं रुका, पानी जहां पर थोड़ा भरा, बारिश तेज थी, 15 मिनट में सब निकल गया। ये एरिया में पानी है क्योंकि ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, शिवा लाइनें बहुत पुरानी है, पहले भी हमारी जोगिंदर सिंह मार्ग पे एक लाइन बैठ गई थी जो लगभग 65 साल पुरानी लाइनें हैं, उनकी मेंटेनेंस चल रही है, रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है। बरसात में काम थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि लाइनों में पानी भर जाता है। हमारा इसके बगल में SPS है जहाँ पर यह शिवा लाइन को पानी को खींचता है, यहाँ और इसके नीचे शिवर की लाइन भी है, पानी की लाइन भी है। अभी हम लोग इसको चेक कर रहे हैं क्योंकि PWD की सड़क है ये, जितनी मेरी जानकारी है, और जिस हिसाब से यहाँ पानी भरा है तो इसमें दिल्ली जल बोर्ड की भी कहीं ना कहीं जवाबदेही होगी, और दोनों ही डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अधीन है, और आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मैं खुद कह रहा हूँ हमारी जवाबदेही है, तभी तो हम खड़े हैं यहाँ पर। ये पानी जो आया है, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, ये पानी का लीकेज है, किसी को नहीं मालूम नीचे लीकेज क्या हो रहा है, एकदम से रोड बैठी है। आप काफी लंबे समय से विधायक है, मेंटेनेंस तो कंटिन्यूस चलती है, बारिश हर साल होगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ मान लीजिए अगर बीच सड़क होता है या इस समय कहीं और होता और लोगों की जान जाती, तो इसकी जवाबदेही किसकी होती? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप पहले भी, हमारे से पहले भी MLA हुए हैं, वो कभी ऐसी जगह पहुंचते थे? मैं तो घंटा सवा घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और सारा ये अरेंजमेंट करा रहा हूँ, सारे विभाग के आदि। तो क्या प्रक्रिया चल रही है इस चीज को? सिचुएशन हम इसको अभी बंद नहीं कर रहे, जब तक हम इसका फॉल्ट नहीं पकड़ लेंगे कहाँ से ये पानी आ रहा है, तब तक इसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बंद करने के बाद फिर मिट्टी बहेगी। हम इसके जड़ तक जाएंगे, जैसे बीमारी है किसी को नहीं पता होगा बीमारी आ गई, बीमारी आई है उसका इलाज करेंगे, इलाज के बाद इसको बंद करेंगे। अभी पंप मशीनें लगा रहे हैं, पानी खींच रहे हैं, उतना पानी आता चला जा रहा है, लेकिन अभी देख रहे हैं बड़े पंप मंगा रहे हैं, बड़े पंप से इसको खाली करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कहाँ से पानी आ रहा है, ये फॉल्ट हमारा है या कहाँ से पानी इधर की तरफ बढ़ रहा है। नाला भी बगल में है, शीवर भी है, पानी की लाइनें भी हैं, मेन लाइनें भी हैं, और SPS प्लांट का भी पानी है, तो देखते हैं कहाँ निकलता है। बारिशें रुकेंगी नहीं, मानसून आ चुका है दिल्ली में, आगे कुछ ऐसा ना हो उसके लिए क्या तैयारी की जा सकती है? हमने तो सारी जगह तैयारी की थी कहीं पानी ना रुके, लेकिन ये हादसा है, ये कोई वो नहीं है कि कमियां हैं कोई, ये पुराने जख्म हैं जो कुरीदे गए हैं जिसके कारण ये सारा हो रहा है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है। Well, so this is the word coming in from the local MLA over here, who's Mr. Rajesh Rishi, who says that the construction was continuously on, but these are the visuals you can see. This pit or this part of road which has caved in, is the width is approximately 10 to 12 feet, and in fact the width of this entire road which has caved in is somewhere around 7 to 10 feet. So this is the amount of damage which has been done, and in fact now the PWD is installing the pipes over here to actually cull out the excess water. Once this water will be out, then this the fillingment of this road will be done. The machines are already here, locals are present here in huge number to actually understand what has actually transpired in this entire case. Local MLA from the Aam Aadmi Party is stating that in fact in Hindi he said ye purane zakham hai, bharne mein samay lenge. So now he is saying that the government has worked here, and in fact now the construction work will continue in this very area. In fact this pit in particular
particular, if I talk about the location of this very incident where it happened, this is Janakpuri area, and in fact this is Posangipur Gaon, which is here in the national capital where this incident had happened. The locals maintained that it was early morning when this incident took place, and in fact thankfully there was no one around when this road caved in. This is Yash Goyal with video journalist Dinesh for CNN News 18.